अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ हसन एन। आज मैं आपको लेके आया हूं दुबई में ग्लो गार्डन दिखाने के लिए। आज इसकी सैर कराएंगे और देखते हैं अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइटिंग से कलरफुल तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज मेरे साथ एक और यूट्यूबर हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद, जिनका चेहरा आपने पहले देखा हुआ होगा। ये हमारे साथ हैं आज, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैं हसन जी के साथ और एक वीडियो बना रही हूँ। तो हम लोग आए ग्लो गार्डन, जैसे हसन जी ने ऑलरेडी बताया होगा। तो ये मेरा पहला बार है इधर ग्लो गार्डन में। आई एम सॉरी फॉर माई ब्रोकन हिंदी। देखते हैं कैसा है ग्लो गार्डन। इधर सारा कुछ लाइट से सजाया हुआ रहता है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए हसन जी के चैनल को। तो देखते हैं कैसा है ग्लो गार्डन। तो चलो चलिए चलते हैं अंदर फिर। चुके हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे टिकट का मनाना है, बाकी चीज़ें हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। तो गाइस अब हम डायनासोर पार्क के अंदर जाने लगे हैं। यहाँ दिखाते हैं क्या क्या है आपको। एंट्रेंस आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनाई गई है। अभी छोटे डायनासोर नजर आ रहे हैं आपको, छोटे छोटे रखे गए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। पहले कि अंधेरा हो जाए हम जल्दी जल्दी अंदर की जानी चलते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें जगहों को। Thank you.
इन लोगों के नेम वगैरह और जो भी हिस्ट्री रही है इनकी उस वो कुछ यहाँ पे लिख के बताया गया। खूबसूरत बात ये भी है कि इन्होंने साउंड के साथ साथ मूवमेंट भी लगाई हुई है इसमें। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बड़े से बड़े डायनासोर हमारे सामने आते जा रहे हैं। ये और बहुत बड़े साइज का है डायनासोर देख सकते हैं, मेरे कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो गर्दन मूव हो रही है साउंड के साथ साथ, बहुत हैवी बनाया वाली है। मज़ीद अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं डायनासोर की लाशें पड़ी मरे हुए पड़े। साउंड ही इतना खौफनाक है कि डर लगने लगता है अचानक से अगर हो। आप मैंने बैग पर देख सकते जैसे जैसे अंदर जाते जाने वैसे वैसे बड़े से बड़े डायनासोर टांगने आते जा रहे हैं। चेक कर सकते हैं कि इन्होंने साउंड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त रखी है। देखें आगे एक सिंगो वाला भी डायनासोर आ रहा है, उसको भी दिखाते हैं। ये देखिए ये एक बिल्कुल अलग किस्म का डायनासोर है। ये देखिए इसके सिंग भी निकले हैं। अभी ये मुंह खोलेगा, मुंह खोलो बेटा जल्दी से, शाबाश, थोड़ा सा खोलो मुंह, गुस्से में आ गया। चलो अच्छा नाराज नहीं हो, नहीं खोलो, नहीं खोलो मुंह, नाराज रहो। ये देखें इसके सीन, ये शायद गाय भैंसों की नस्ल का हो। और एक ये सांप बहुत उछल रहे, बहुत शोर कर रहे हैं। अभी मैं इसके पास आया तो खामोश हो गया, ये अभी तक दूर पे मैं खड़ा होके उसकी वीडियो बना रहा था तो ये सांप शोर कर रहे थे कि मेरी तरफ भी आओ, मेरी तरफ भी आओ। जैसे ही मैं इनकी तरफ आया हूँ तो ये खामोश हो गए। एक और बहुत बड़ा डायनासोर, ये देखिए, एक ये है और एक ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, बहुत बड़ा डायनासोर। जब वैसे ये शोर कर रहे होते हैं जैसे ही मैं इनके करीब जाता हूँ ये खामोश हो जाते हैं। पता नहीं मुझे पहचानते हैं या मुझसे डरते हैं क्या है, बताइए। डायनासोर भी इस शख्स से डर रहे हैं। सुधिया कैसा लगा आपको? अब तक तो बहुत अच्छा है और डरावना भी है काफ़ी। साउंड कितना खौफनाक बनाया। हाँ सच में, और ऐसा लग रहा है एक्चुअल में आप जुरासिक वर्ल्ड मूवी के अंदर आ गए हो, क्योंकि हर एक डायनासोर इतना डरावना और एक्ट
एक्चुअल रियल। अच्छा, जब हम इंटर हुए तो छोटे छोटे से थे, जैसे जैसे हम इंटर मजीद आगे जाते जा रहे हैं वो उनके साइजेस बढ़ते हैं। हाँ एक्चुअल में सही बात, साउंड भी बढ़ता जा रहा है। और अभी जैसे रात हो रहा है और भी साउंड जोर जोर कर रहे हैं लोग, पता नहीं बहुत शांत से बैठा रहे थे एकदम से चालू कर देते साउंड। देखिए जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर डायनासोर का एक ढांचा धसा हुआ बनाया है, जैसा कि मिट्टी के अंदर दब जाता है और आधा बाहर होता है, ये उस तरह से बनाया हुआ है। ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ है मरा हुआ, ये तमाम ढांचे बनाए हुए हैं। हम निकल चुके हैं डायनासोर पार्क से और अब हम ग्लो गार्डन के अंदर जा रहे हैं, जहाँ के जिसका के वक्त रात में आने का है। अच्छा, यहाँ पे बेहतरीन लाइटिंग से ये पूरा पार्क सजाया गया है, तो चलिए ग्लो गार्डन का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि ग्लो गार्डन अंदर से कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये था ग्लो गार्डन पार्ट वन डायनासोर पार्क से। पार्ट टू में हम आपको ग्लो गार्डन और आइस पार्क के मनाज़र दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम बात कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। और हमारी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।